हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई आपका दोस्त सुनील यशपाल और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या की वॉकिंग स्ट्रीट के बिल्कुल बाहर, एग्जैक्ट उसी स्ट्रीट में जिस स्ट्रीट से होकर आप लोग जाते हैं अपने फेवरेट इंडियन क्लब्स में। और यहाँ पर आने की यार बहुत ही खास वजह है क्योंकि यार मेरे पास बहुत तरह की रिक्वेस्ट आती है और उसमें से कुछ रिक्वेस्ट ऐसी होती है जो होती हैं अबाउट फूड। जैसे मैंने कल आपके साथ में एक व्लॉग शेयर किया था, एक आपको मैंने दिखाया था एक इंडियन रेस्टोरेंट, तो उसी से मिलती जुलती कुछ रिक्वेस्ट और थी मेरे पास में मेरे उन भाइयों के लिए जो हलाल फूड खाना पसंद करते हैं, जो लोग बारबेक्यू खाना पसंद करते हैं, जो लोग स्टीक जो फूड होता है वो फूड खाना पसंद करते हैं, इन शॉर्ट जो मेरे भाई नॉन वेज फूड प्रेफर करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी कि बाबा वॉकिंग स्ट्रीट के पास अगर कोई ऐसा कोई एक रेस्टोरेंट हो जो स्पेशल नॉनवेज फूड के लिए डेडिकेट हो, जहाँ पर एक अच्छा नॉनवेज फूड मिलता हो और हर तरह का नॉनवेज फूड मिलता हो। आप लोग बात करें चिकन की, आप लोग बात करें मटन की, आप लोग बात करें लैम्ब की, आप लोग बात करें फिश की, तो यार ऐसा ही एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर बिल्कुल वॉकिंग स्ट्रीट के पास। और इस रेस्टोरेंट का नाम है मोसला और ये एक अरेबिक रेस्टोरेंट है, लेकिन अरेबिक रेस्टोरेंट के साथ साथ यहाँ पर जो फूड मिलता है यार, फूड वॉज वेरी ऑसम, वेरी यम्मी, वेरी टेस्टी फूड। और इसके साथ साथ अपने इंडियन फूड की अगर आप लोग बात करें तो एग्जैक्ट जो इंडियन फूड हम लोग खाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन वेज फूड, तो वो जो फूड है उस फूड के लिए भी यहाँ पर अपने पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए साथ में, आपको दिखाता हूँ ये ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट है मोसला और आपको बताता हूँ एग्जैक्ट जो ये रेस्टोरेंट है ये कहाँ पर है। तो यार ये वो स्ट्रीट है जहाँ पर है ये ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट, अगर आप लोग बिल्कुल सामने देख रहे हैं तो सामने है यहाँ पर वीसी होटल पत्या और वीसी के बिल्कुल सामने से जो ये स्ट्रीट अंदर आती है जहाँ से आप लोग जाते हैं अपने इंडियन क्लब्स के लिए। तो जो भी मेरे भाई यहाँ पर आए हैं उनको पता होगा कि यार इस स्ट्रीट के अंदर आते हैं यहाँ पर जितने भी आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं कुछ खुले हैं और कुछ यहाँ पर अभी फिलहाल बंद है, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी भीड़ होती थी, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे होते थे। और एग्जैक्ट इसी जगह पर एक बार फिर से यहाँ पर ओपन हो गया एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट है, इट्स मोसला। तो आप लोग देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट है आपके पास में, जहाँ पे है आपके पास में यार एक बहुत बड़ा अच्छा खासा मेन्यू फॉर लाइक आप लोग कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल फूड और यू कैन टॉक अबाउट इंडियन फूड और यू कैन टॉक अबाउट अरेबिक फूड। तो यार यहाँ पर हर तरह के कबाब्स हैं, स्ट्रीट फूड है आपके पास में, यहाँ पर फिश है, यहाँ पर बिरयानी है, यहाँ पर चिकन है, यार वॉट एवर यू वॉन्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये है यार एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट, इट्स मोसला पत्या। तो यार ये है अपने पास में ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट मोसला और यहाँ पर यार मैं आपको बताऊं तो यार मेरे काफ़ी सारे भाइयों की काफ़ी दिन से ये रिक्वेस्ट थी कि बाबा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बताते हैं, कोई एक ऐसा स्पेशल रेस्टोरेंट बताइए जहाँ पर हमको नॉनवेज के सभी ऑप्शन मिल जाए और हर तरह के ऑप्शन मिल जाए। आप लोग फ्राई की बात करिए, आप लोग स्टीक की बात करिए, आप लोग कबाब की बात करिए और उसके साथ साथ नॉनवेज के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी वैराइटीज़ होती हैं, आपको एक ही जगह पर सारी की सारी वैराइटीज़ मिलती हैं। ये है मोसला और मेरे और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए बनाई जा रही है एक वीआईपी सिटिंग जहाँ पर आप इत्मीनान से बैठकर जो यहाँ पर फूड है, जो यहाँ पर ड्रिंक्स है, आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। और मेरे साथ में यहाँ पर जो इस जगह के जो ऑनर है बासित, बासित मेरे साथ में, तो चलिए बासित से करते हैं कुछ बात अबाउट दिस रेस्टोरेंट एंड अबाउट इंडियन पीपल। तो यार मेरे साथ में यहाँ पर बासित जो यहाँ पर पूरा टेक केयर करते हैं इस जगह का, इस रेस्टोरेंट का जो है मोसला, तो बासित से अपने बात करते हैं अबाउट इस रेस्टोरेंट के बारे में और इसके साथ साथ जो यहाँ पर फूड मिलता है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले अपने बात करेंगे यहाँ पर जो कोविड का एक टाइम चल रहा है पिछले 2 साल से, लास्ट 2 ईयर्स आप लोग जानते हैं कि यार बड़े डिफिकल्ट थे यहाँ पर बिजनेस के लिए और यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बासित थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, can you tell about that last 2 year that COVID period? I see you every day when I walk from here. I see you. Actually, in this area, I am with the restaurant only. You know, maybe 2 restaurants we still open. But you know, we doesn't have many people, but we try to fight in this. Yeah, COVID. I know that. But yes, we so. But I got to making everything in new inside my restaurant here, right. And I try to be to keep the quality of the food the same. And you know, I have the halal food, okay. And I am Muslim. Okay, no problem. Yes, so
I got many customer from India, from Arabic. And we try to fight in this COVID because this is not too many, but just now they start to open for every people to come. Yes, that's really nice. So, yeah, बस इतना कहना भी ऐसा है कि यार सब लोग यहाँ पर मिलकर फाइट कर रहे थे 2 साल से, जब से मैं लाइक क्योंकि जो मेरा क्लब है रास वो भी इसी स्ट्रीट पर है, तो मैं एवरी आप लोग का बात करिए दोपहर को मैं यहाँ से क्रॉस होता हूँ, एवरी टाइम आई सी दिस मैन और ये यहीं पर खड़े थे इसी स्ट्रीट के अंदर, कोई कस्टमर है या नहीं है, बट ही इज अ गुड, आप लोग कह सकते हैं बिग फाइटर एक्चुअली जो यार इस सिचुएशन से यहाँ पर फाइट कर रहे हो। उनका कहना ऐसा है कि यार इनके पास में यहाँ पर बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स थे जो यहाँ पर पहले आया करते थे और अभी एक बार फिर से ये वेट कर रहे हैं यहाँ पर इंडियन कस्टमर्स की, क्योंकि यार मेरी आते जाते इनसे काफी बार बात होती है और मैंने इनको प्रॉमिस किया था डेफिनेटली आई विल मेक वन ब्लॉग फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज यार एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट है और एक बहुत ही अच्छा खाना है यहाँ का, और मैंने काफी बार यहाँ पर फूड भी ट्राई किया, तो मैं सोचा कि यार जब एक इतना अच्छा ऑप्शन है अपने पास में तो ये जो ऑप्शन अपने भाइयों के साथ भी शेयर करना चाहिए। एंड नाउ बसित, इफ यू टॉक अबाउट दीज डेज एवरीथिंग इज ओपन, yes, right, before number 9th we can sell alcohol also, yes, after 9 o'clock. Just now about 3 days now to until 9 o'clock, but they promise us from here to until number 1 they gonna be open for more time. It is gonna be now just to until 9 o'clock, you can drink, you sit down in the bar, right, but for restaurant it is open anytime, maybe 24 hours you can find restaurant. तो यार लीकर पर यहाँ पर रोक लगाई गई है कि रात को 9 बजे के बाद आप लीकर सेल नहीं कर सकते, लेकिन जो रेस्टोरेंट है इफ यू वांट टू ओपन 24 आवर्स ही कैन ओपन दिस रेस्टोरेंट, और आप लोग बिलीव करिए आप जब भी यहाँ पर आएंगे आपको ये रेस्टोरेंट यहाँ पर इस तरह से ओपन मिलेगा, और जो यहाँ पर फूड है फूड के ऑप्शन जो आपको मिलेंगे यार वो मैं आपको बता चुका, और बाकी के जो फूड के ऑप्शन है अबाउट मेन्यू ऑफ दिस, कैन यू टेल मी अबाउट योर मेन्यू प्लीज, यू कैन सी, तो चलिए यार बासित के साथ और मैं आपको दिखाता हूँ इस रेस्टोरेंट का ब्यूटीफुल सा मेन्यू, देखते हैं यार यहाँ का मेन्यू। Yes, this is for the breakfast. Uh-huh. I got falafel, I got naan, I got garlic naan, cheese naan, I got normal naan. Mm-hmm. Like you see, I got egg, egg with tomato. Mm-hmm. I got many, many things like cheese, like omelette. Uh-huh. I got so many things for the breakfast. Okay, this is the breakfast, right? Yes. This is for the soup. Uh-huh. I got lamb soup. Okay. I got mushroom soup, okay. Chicken soup, dal soup. Uh-huh. Vegetarian dal soup also, yes. Oh, that's really nice. Soup. So yeah, dal soup bhi hai yahan par. Yes, I have shrimp soup. Uh-huh. I have cream soup, vegetarian soup. Okay. And seafood soup. Okay, done. It's good enough. Yes. I got here all the salad. This is fattoush, Lebanese salad, Arabic salad, tabbouleh. I got mixed salad. It's coming with hummus, tabbal. I got some shrimp, shrimp with salad. I got vita cheese salad. I got egg salad. Yes. Okay. So I got all this Lebanese. So you have salad ki options bhi. Is it hummus, mutabal, baba ganoush. This is all vegetarian. You know, I know so many Indian. He cannot eat. This vegetarian? Yeah, it's all vegetarian. It doesn't get nothing about that salad section. Yes. Only is vegetarian. Only vegetarian. And really got nice. Hummus. I got everything. This is all vegetarian. Oh, that's really nice. You come here also, is it vegetarian? Yeah. You got some, like here, you can have it with the chicken, with the lamb, French fried with spicy, sambusa lamb, okay. Sambusa cheese. Oh, that's really nice. Yeah, this can be with the fried tomato, onion, garlic, with the beef, with the chicken, with the shrimp. This is falafel. Is it all this one? Is it vegetarian? Okay. Is this actually, I make it for Indian people because Indian people, they like to eat some vegetarian. It's a kind of starters, right? Yes. Here I got, you know, spaghetti, macaroni. I got all the cooking food for Arabic food, you know, like bamia, mulukhiya, vegetarian. That's okay. So it can be vegetarian. And can you show me this your main course, because I want to see that the chicken masala and everything you tell me before, so, that. Now I got the biryani. Okay. This is biryani, biryani lamb, biryani chicken, biryani shrimp. I got kebab. I can get kebab with the white rice. And this is vegetarian rice. This can be whatever you want it. Okay. Here, I got barbecue. Oh, super. Barbecue. Is it kebab? Is it chicken? Liver. A mixed barbecue. I got lamb shot. I got the best lamb shot because I got big piece of the lamb shot here, and very cheap also. It's not expensive. Here's the Indian style. This is biryani, biryani lamb, biryani chicken,
biryani seafood, biryani shrimp. I get masala, masala lamb. Okay. Masala chicken. If somebody say like make some veg biryani, you can make. Yes, only sure. It's Indian style. I get mini chef. I get chef from Arabic, chef from India, chef from Thai. Okay. So that, I get three chef. Three chef is can making any food you recommend. That's really nice. Steak, I get pony steak. I get chicken, salmon. Whatever you want, I got. Great. For seafood. Oh. All the fish. This lobster, right? Yes, I got. I got lobster. यार मेरे बहुत सारे भाई हैं जो lobster खाना पसंद करते हैं तो lobster का यार एक बहुत ही yummy option दिख रहा है यहाँ पर तो आप लोग lobster भी यहाँ पर try कर सकते हैं. Lobster, I can make it. I make it also with a cheese, with some olive, with so many things. Like this is more nice, okay, like Italian style. Oh, okay. Italian style. You know, I got shrimp, I got fish, I got whatever you want seafood, I got. Super. And I got mixed barbecue seafood. You see? Yeah. Here also is Arabic food. I got sandwich like shawarma, like kebab, like falafel, any sandwich, like cheese, whatever you want sandwich, I got. Okay. Super. Chicken panache, you know, I got some liver, I got everything for the food. Great. For a sweet. We have kunafa, we have like mohallabia, cream caramel, we have so many sweet from the drinking. We got Iran, I got the softer drink, I got lemon with the mint, I got pineapple, I got I got all the drinks softer drink. Oh, that's really nice. And what about hard drink? I got hard drink, but you know, is it not allowed to sell outside? I know that. And I got the place from and outside. I heard about that you make some new place for your it's a kind of VIP section. Now you can see my place. Okay. और चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ यार ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट के साथ साथ में. ओके दिस एंटीजन टेस्ट. ओके ओके एज पर गवर्नमेंट लॉ नाउ. राइट राइट डन. I get from the temperature. Yes. Okay, that's good. If any customer anything, we got for yes. All the table, I get alcohol. Okay, you can serve inside only. Alcohol you can serve inside only. Yes, everything. तो यार ये अंदर आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल सा सिटिंग है और अल्कोहल जो है ये अंदर सर्व करते हैं रेस्टोरेंट के अंदर बिकॉज बाहर अल्कोहल सर्व करना यहाँ पर अलाउ नहीं है. And this is the baklava. This is the sweet, sweet thing. You see, I can get that for tea, for tea, whatever coffee, Arabic, everything. I can get. Yaar, everybody can see it. Okay. तो यार यहाँ पर जो नॉर्मल टी है आपका जो मिल्क टी है वो भी यहाँ पर मिलता है सामने अगर आप लोग देखें तो फ्राई पैन आपको दिख जाएगा और इसके अलावा चाय के और कॉफी के बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर तो चलिए. ओके. And this is my stuff. So you give this fresh fruit platter fresh also? Fresh fruit. I don't have nothing. Okay. Only fresh fruit. That's really nice. Really everything nice. Everything I get fresh. Also the food. My food is fresh. Yeah, I know. Everything I do is very fresh. I don't have microwave inside my kitchen. No. Great, Basit. And here, and this is for my VIP now. Uh-huh. This is, I will make it like pub restaurant. Uh-huh. So you see, I can change the liquid. It can be big place. Uh-huh. Just now, I just finish it now. Great. Maybe about 3-4 days, we're gonna have the table, we're gonna have sofa, we can sit down like VIP. VIP, okay. Yes, so only VIP here, nobody can come inside, only the VIP, special people. Done. It's good enough. Thank you. I am not care about Arabic only. I care about Indian, about Arabic, about Pakistan, about everybody. Everybody. And I got a three floor up. If you have some family coming, I have some place for the family up. And I have some place for the drink. I have three floor, four floor. Is it all available for can you? That's really nice. That's Room. Also, I get alcohol everywhere. Everywhere in the clean. Yes, everywhere. Should be cleaning. Yes. It's very neat and clean. And you put this sanitizer on. That's really nice. That's really nice. This is what I take care about. Clean more than anything. You can see everything, done. And also in all my stuff inside the restaurant, all effective with the visor, two. I got three actually. Okay, you take booster also. Yeah, all visor. All visor you got it. So when you're coming to our restaurant, don't scare from Corona or don't scare you. Thank you so much, Basit. It was really, really, really. I appreciate the way you show your restaurant and your menu. Appreciate, bro. Thank you very much. And I will try to. I got pizza also. I got pizza. I got hamburger. I got mini king. I got big menu. That's good enough. Thank you so much. And here, sorry. I got here for Thai food. Uh-huh.
This is another menu. I got all the Thai food here. You can have all the Thai food. That's great. Whatever you need. Super, bro. All, you see? Yeah. About 5-6 page. Thank you so much, bro. You're welcome, brother. Done, bro. Thank you very much. Thank you. Invite me for this. Thank you so much. तो यार ये थे मेरे साथ में बासित और बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने यार इनका जो मेन्यू यहाँ पर एक्सप्लेन किया और एक अच्छा खासा मेन्यू बहुत बड़ा मेन्यू और इसके अलावा यहाँ पर एक वीआईपी सेक्शन जो यहाँ पर बनाया मैंने जो आपको दिखाया अंदर फिलहाल वहाँ पर सीटिंग नहीं है लेकिन आने वाले 3-4 दिन में वहाँ पर जो सोफा सीटिंग है इज अ काइंड ऑफ एक वीआईपी सीटिंग आने वाला है तो अगर आप लोग भी आते हैं तो आप लोग वहाँ पर बैठ कर भी ड्रिंक इन्जॉय कर सकते हैं फूड इन्जॉय कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर मेरे को बताया बसित कि ऊपर जो यहाँ पर फ्लोर्स है 3-4 फ्लोर्स हैं जो यहाँ पर अगर आप लोग फैमिली के साथ आते हैं आप सेपरेटली बैठना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ तो आप लोग बैठ सकते हैं और वहाँ पर भी बैठ कर आप लोग फूड और ड्रिंक इंजॉय कर सकते हैं तो यार आई थिंक ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो आपको आपका लाइक जो आपके मतलब का जो फूड है यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा तो यार थैंक यू वेरी मच बासित वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ ब्लॉग अबाउट योर रेस्टोरेंट इट वॉज अमेजिंग थैंक यू वेरी मच तो यार आई होप कि आप लोग भी जब यहाँ पर आएंगे तो आप लोग एक बार जरूर इस रेस्टोरेंट में फूड ट्राई करने के लिए आएंगे और इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए आस पड़ोस का ख्याल रखिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए भूलेगा नहीं हमारा नाम मैं हूँ सुनील यशपाल और मेरे साथ में है बासित और ये है आपका अपना चैनल बाबा भुट थैंक यू सी थैंक यू सो मच